तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है और उनका शेप जो है वो हमें मैच करना है। एक एक अब देखते हैं BrF5। इन सब के लिए क्या है, VSC पेयर ठीक से पता होना चाहिए और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो BrF5 का जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रोमीन के क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, 7 में से 5 सिंगल बॉन्ड जब बनेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इसका मतलब है एक लोन पेयर बच जाएगा और 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो टोटल ये कितना है, 6 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। sp3d2 का शेप कैसा होता है, sp3d2 का शेप तो वैसे होता है 6 का ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में एक जगह पे हम एक लोन पेयर रख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लोन पेयर नीचे रख दिया यहाँ पे, तो ये बाकी का जो शेप है मतलब यहाँ पे इस तरह से शेप हो जाएगा, 5 फ्लोरिन जो वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, सेंटर में तो ब्रोमीन होगा। तो इस शेप को क्या बोलेंगे, तो ये यहाँ पे दिखेगा कि नीचे एक स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर को अगर हम ऊपर जोड़ेंगे तो ये स्क्वायर का पिरामिड जैसा बन जाएगा। इस शेप को स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, वैसे तो ये याद भी रख सकते हैं। तो स्क्वायर पिरामिडल इसका आंसर हो जाएगा BrF5 का, मतलब ए का हो जाएगा 4। ए का 4 जो है वो तो एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो वैसे तो ये बाकी भी सब चेक करना चाहिए। तो शॉर्ट में अगर हम देखेंगे तो H2O का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर तो हम शेप में नहीं देखते हैं, तो बस ये सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो ये बेंट जैसा है, H2O का हो जाएगा बेंट, मतलब B का हो जाएगा 3 इस तरह से। CLF3 का अगर हम देखेंगे तो Cl में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से जब 3 बॉन्ड बनेंगे सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड तो बनेंगे फ्लोरिन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का शेप जो है वो तो इस तरह से होता है, मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन 2 लोन पेयर जब हम रखेंगे इक्विलेटरल पोजीशन पे रखेंगे इस तरह से, तो बाकी जो शेप बच जाएगा वो टी जैसा दिखेगा, तो इसको हम टी लिखेंगे, मतलब CLF3 हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1 जैसे इस ऑप्शन में है, बाकी बस एक ही बचा है SF4 का। तो SF4 में क्या होगा कि सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बन जाएंगे, तो एक लोन पेयर बच जाएगा। तो एग्जैक्टली इसी तरह से तो एक लोन पेयर बच जाएगा, इसको हम इक्विलेटरल इक्विटोरियल पोजीशन पर रखेंगे, तो बाकी ये जो शेप है ये थोड़ा सीसॉ जैसा दिखेगा, इसको बोलते हैं सीसॉ शेप, तो डी का हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन डी।